जनपद बिजनौर के हल्दौर में प्रजापति समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अश्वनी प्रजापति का समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में प्रजापति समाज के 60 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और किसी को भी उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो न्यायिक जांच कराकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रदेश की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीबों को फ्री इलाज, महंगाई में कमी और अपराध पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर प्रजापति समाज के लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक घटक दल है भागीदारी पार्टी। तो हम लोग जातिवाद जनगणना के सवाल को लेकर के, महंगाई के सवाल को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के, नौजवानों का किस प्रकार से जो है सरकारी नौकरी दी जाए उस बात को लेकर के, फ्री इलाज को लेकर के, फ्री शिक्षा को लेकर के हम लोगों ने ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया हो, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाना है और भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बना करके सभी जाति सभी वर्ग सभी समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आपने भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 60 लोगों की मौत हुई जो प्रजापति समाज के थे और प्रजापति समाज के किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है, जबकि प्रजापति समाज के भी काफी विधायक भी हैं दो लोग और माटीकला बोर्ड के भी हैं। इन्होंने क्या किया? विधायक कहाँ हैं सब लोग? ये सब तो लूटर देता है। अरे इनकी जबान खींच लीजिए, अगर ये कुछ बोल दे अपने समाज के लिए, ये लूटर कहीं कुछ बोलेंगे? अगर इनके पास बस में कुछ होता तो 60 जो से अधिक जो प्रजापतियों की हत्या हुए हैं उसमें मुआवजा दिलाने का काम करते हैं, उसमें ये पीड़ित परिवार को नौकरी दिलाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन इन लोडरों के बस का कुछ भी नहीं है। ये खाली लोडर है, खाली लोडर है।